हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग भाई। स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में, आज के नए वीडियो में। ये वाला ब्लॉग भाई ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था, बोला भाई कि जो नोमैडिक लोग हैं, जो शेफर्ड लोग हैं ना, गद्दी लोग हैं, कैसे जंगल में अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे, बोला वो सब दिखाना। तो आज भाई 24 अक्टूबर है और आज दिवाली है, तो आज भाई मैं ना भेड़ पालकों के साथ हूँ यहाँ पे। ये अपने नोमैडिक लोग हैं, भेड़ पालक यहाँ पे, तो इनके साथ हूँ भाई ना यहाँ पे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, आज पूरा दिन आपको दिखाएंगे कि दिवाली कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, क्या मतलब नया करेंगे, या इनका जो डेली का रूटीन होता है वैसे ही ज़िंदगी, वैसे ही दिवाली मनाएंगे ये, तो वो सब आपको दिखाएंगे इस वाले ब्लॉग में हम। तो भाई आप सबको ना दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली से पहले जो भाई आप लोगों ने कमाल किया है ना, मतलब कि 1 मिलियन वाली वीडियो हमारी हो, 10,000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला है भाई। इधर हमारे 10 हनुमान जी हैं, तो आप सबको भाई दिवाली की ना बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आज यहीं पे रहें भाई, पूरा दिन हम इनके साथ रहेंगे, शाम तक, रात तक, अगली सुबह जाएंगे यहाँ से, तो देखेंगे क्या क्या करेंगे दिवाली का। पूरी दुनिया भाई दिवाली मना रही है, और हमारे मांझी जी क्या कर रहे हैं? मांझी जी क्या है? सोठी बना रहे हैं। बोला लठ वर्गी सोठी बनी है यार मांझी, आज दिवाली और आप ये डंडों के पीछे पड़े हुए हैं। ये हमारी रोजी रोटी है। अच्छा अच्छा, दिवाली आती जाती रहेगी है। तो क्या प्रोग्राम है आज दिवाली का? दिवाली का प्रोग्राम देखते हैं शाम को, बीच हमारा लंबरदार ही नहीं कुछ है। हाँ, टूं टां कर रहा है। हाँ, इनके भाई ये लंबरदार बोलते हैं जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब जिनके ये साथी हैं, कैसे बताऊं यार मैं, मुझे नहीं लगता ऐसा अच्छा बोलना कि मतलब मान जी किसी के मतलब अंडर काम कर रहे हैं या कुछ भी हैं, मैं पार्टनर कहता हूँ, मैं पार्टनर हैं भाई। नहीं, जो सच है वो सच है भाई। है जो सच है वो सच है। क्या सच है? अबे लंबरदार बंदा ठहरिया। हाँ, ऐसे नौकर बंदे ठहरे। हाँ, एक्चुअल में ना ये भाई मां जी जो है ना, मेरे मामा जी इनके पास काम करते हैं, छोटू भाई भी साथ में ही है, तो मैं कहता हूँ ये सब पार्टनर हैं, और ये कहते हैं कि हम मतलब वर्कर हैं मामा जी के, तो यार मुझे अच्छा लगता है ऐसे किसी को नौकर बोलना या वर्कर बोलना ये वो सो। पर मां जी, पर भाई मां जी कहते हैं कि बोला जो सच है वो सच है। क्या सच है मां जी? मैं नौकर बन। नहीं नहीं मां जी, कहाँ नौकर है, ऐसा नहीं होता। वो तो नौकर एक तनख्वाह लेने वाले कर्म कर रहे हैं। तो भाई दिवाली के दिन ना सुबह के टाइम पे तो ये क्या कर रहे हैं कि आग उग जली हुई भाई, देखो यहाँ पे ये इनका पूरा रहन बसेरा, यहाँ पे थे हम पिछली रात को भी, यहाँ सोया था मैं। ये इनके बर्तन वगैरह यहाँ पे, मेरी शैडो आ रही है उस तरफ, कुछ आया परछाई। टमाटर काट लिए भाई इन्होंने। और माँ जी क्या दाल, क्या है माँ जी? दाल बनाई हमने मूंग मसर। ओहो, मूंग और मसर की दाल बनाई भाई इन्होंने आज। मुझे लगता है रात को करेंगे दिवाली का कांड कुछ। रात को तो मोटा कांड होएगा। क्या होगा? मोटा कांड। कांड माँ जी? कांट। कांट? कांट नहीं, कांट तो कोई और चीज होगी ना। ट और ड में आप फर्क नहीं समझ रहे हैं? ड म ट ठ ल म म स। मैं जी स्कूल गए आप कभी जिंदगी में? मैं तेरे को बताया भाई, स्कूल में गया था पर बात नहीं बनी। ये सूट भी ठीक है, ये दो ले जाने, नंद करो खपरा खपरी, बेड़ा ने मिंजो हुई तेरे घसे प्रो से। कौन? माँ जी भाई यहाँ से ना काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टिक लेके जा रहे हैं घर पे, एक अपने माता जी के लिए, एक अपने फादर साहब के लिए, और बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि घर पे ही नहीं से मेरा रिमांड हो जाए, इतने डरते हैं देखो माँ जी इस उम्र पे भी भाई, माँ बाप से, अम्मा बापू से, अम्मा बापू का डर देखो बंदे पे। डरना पड़ता है भाई, डरना पड़ता है भाई, माँ बाप से तो, माँ बाप से डरना ही पड़ेगा है। और भाई ऐसा जैसा व्यू है यहाँ पे ना, क्या गजब का व्यू है यहाँ पे, हम दिवाली मनाएंगे ऐसे पहाड़ों में, ओ माय गॉड। साथ में ये 400-500 भेड़ बकरियाँ हमारे पास साथ में, क्या नहीं हो रहा सीधा, तो बिंग कहाँ करना सीधा? अच्छा अच्छा, भाईरा बोल घर आई कुछ की होगा जे रहे रस्ते रूरे रहे। मैंने रेखा दीवारी बोलना दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं पाना पाया हुआ।
ज्यादा घी डालना तड़के में, क्यों क्या होता है? एड़ी चीज अच्छी नहीं होती है। हाँ, पैग। ओहो यारा पैग तो तू आधे मत करा। मां जी ऐसा मत किया करो यारा। धूम्रपान मदिरा पान सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत अच्छा। तो भाई ये लग गया तड़का, मूंग की दाल बना रहे हैं आज। आजा बस हो गया, आजा, कुछ नहीं है। ओ भाई दोनों तीनों कुत्ते आ गए, बस इनको तो शाबाश बोलना पड़ेगा बस, बाकी नहीं ज्यादा कुछ नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ। ओ सेरो, बैठ जाओ, कुछ नहीं है। तो भाई दाल तो उन्होंने बना ली, अब लगे हैं चावल बनाने। तो ये चावल छोटू भाई है मास्टर सेफ आज। मां जी लगे हैं कुत्तों की रोटियां बनाने। कितनी रोटी बनेगी मां जी? देखते हैं तो अब कितनी बनती है। हाँ। वही नहीं, ये ही दो। चावल रख दिए छोटू भाई ने बनाने के लिए, चावल बनाएंगे अब। ये हमारे मान जी यहाँ पे रोटियां बनाने के बाद हाथ लगे हैं साफ करने। लिखी ये भाई, इनका कुत्ता रोटी खा रहा है यहाँ पे। क्या ले पुत्र, हैं कैसा है खाना? खा ले शाबाश। वो पीछे शिल्पा सोई है वहाँ पे। तो वह अपना 10 बजे का टाइम है और अब ये बकरियाँ लेके जाएंगे जंगल में। दिवाली क्या है यार इनकी, दिवाली बेचारों की ऐसे ही होती है। दिखाना मान जी रोटी है? रोटी कुत्तों के लिए, कुत्तों के लिए। ये कुत्तों के लिए रोटी और साथ में ये बकरी का दूध, थोड़ा सा मिक्स करके, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध। और वो भाई चेते उधर अपने छोटू बहन, देखो बर्तन किस तरह से सजा है वहाँ पे। वाह छोटू भाई वाह। अभी सभी बर्तनों में पानी डाला जाएगा सबके लिए। तो भाई अभी ना सुबह के 10 बज रहे हैं, ये इनकी ना सारी भीड़ बकरियां इस तरफ को, और ऐसा जैसा कुछ व्यू। और यहाँ पे अब लगे हैं लंच करने, लंच ब्रेकफास्ट सब इकट्ठा ही होगा। इसके बाद अब जाएंगे बकरियों के पास ही जंगल में बकरियां लेके। अरे मान जी जी, और ये मैं यहाँ पे छोटू भाई और एक भाई साहब मेहमान आए हैं दिवाली पे। पहले भाई मां जी ने बोला कि मीठा बनाया जाएगा आज, स्वीट डिश बनेगी कुछ, फिर मां जी का वो फेल हो गया काम ही। तो अभी खा लेते हैं भाई। मदरा बनाया है? मदरा मूंग का मदरा? नहीं नहीं, राजमा का मदरा है। राजमा है ना गड़ी ये भैया। हाँ तो ये कुछ मरे है। अच्छा अच्छा। तो भाई ऐसे जैसे बर्तनों में खाना खाते हैं। आज हम खाएंगे चावल और साथ में दाल। जी मैं जा रहा हूँ
हाँ अब तो ऐसे ही हो गया भैया जी, टाइम पास है, सिक्के से कमाना है बस। पहले बड़ी की हटा दे थे कि नहीं? ओ यार उमेश भाई, 7 बजे तो 7 बजे 16 नाला में भी नीचे मक्खियां लगेगी अब। क्या बोल तू? अब रोड भी परे से आ गया, परे से हो गया, परे मोड़ पर निकल गया। मान जा रहे हैं अपने कुत्ते को खाना खिलाने दिवाली वाले दिन। तो भाई खाना पीना हो गया सब यहाँ पे, अब बकरियन की चल पड़ी जंगल वाली तरफ को, भूख लग पड़ी इनको भी। अब देखते हैं भाई दिवाली का शाम का टाइम क्या होता है, शाम को आएंगे अभी 5-6 बजे वापिस। माँ जी दिवाली का क्या सीन है फिर यार? बस शाम को बनेगी। कोई प्रोग्राम है तो ठीक है, मेरे दोस्त नहीं तो मैं चला फिर। प्रोग्राम है क्या? करेंगे कुछ। क्या करेंगे? तड़गीम। तड़गीम क्या चीज हुई? ये भाई देखो लोगों की दिवाली है। और खैर ये तो मतलब कुछ समझते नहीं, इस टेंशन लेते कि क्या है, पर होता ही यार थोड़ा बहुत। तो भाई ये ना हमारे दशरथ मां जी मामटी जी ने बर्तन कर लिए साफ, और अब जाएंगे बकरियों के साथ, ऐसे जाएंगे इनकी बकरियों ऊपर पहाड़ों में कहीं, बस 2-4 दिन है यहाँ पे, फिर चले जाएंगे यहाँ से मंडी वाले एरिया में, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में। हो गया काम ठीक है? तो भाई ना इनका जितना भी बोरी बिस्तर होता है, मतलब बैग वो रखे होते हैं ना अपने सामान जो भी है उसको ढक देते हैं जब भी जंगल जाते हैं ये। और बर्तन देखो भाई इनके, यारा क्या गजब के बर्तन है, राख के साथ साफ करते हैं। जा रही है बकरियन की जंगल। शिल्पा, ओ शिल्पा इधर आ, क्या क्या खाया तूने? हैं, चिकन खाया, मीट खाया, गाय भैंस सब खा ली तूने, बड़ी खतरनाक है तू। अब भाई बकरियों के साथ चली जाएगी जंगल। रिखी इधर आ, रिखी आओ, आ जा आओ। इस कुत्ते का नाम है रिखी भाई, इस वाले कुत्ते का। आ जा इधर। हेलो रिखी, ले कहाँ जा रहा है तू? हैं कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? बकरी के पास जाएगा, बकरी के साथ जाएगा है? ओए रिखी, ओ यार मैंने बोला भाई, डरा दिया रिखी तूने, ये आ रहा है। ये बोलते हैं कि इसके मूड का कोई भरोसा नहीं होता, वैसे है तो ठीक है, नहीं बोलता कुछ भी। हाँ मरचू, ओ मरचू, मरचे बाल बड़े अच्छे हैं इसके, सिल्की सिल्की। ओ मरचे भौन देता भाई ये बंदों को। जा जा रही बकरी है इनकी, और ये टेंट है यहाँ पे इनका। आज तो मतलब मैं हूँ यहाँ पे ना, अदरवाइज ये सब चले जाते हैं, इनका सामान ऐसे रहता है यहाँ पे, जो भी है मतलब बोरी बिस्तर बर्तन सब ऐसे रहेगा, ये सब चले जाते हैं जंगल। हार्डली इनका एक आधा कुत्ता कई बार रहता है यहाँ पे, अदरवाइज ये सब चले जाते हैं जंगल ही। रिखी क्या कर रहा है? ओए रिखी क्या हो गया हैं? ओए क्या हो रहा है हैं? सुस्ती पड़ी है हैं? चल उठ जा, उठ चल चल उठ, चल उठ जा, उठ शाबाश, उठ जा, पंजा दे दे, दे पंजा, हेलो कर ले, हेलो कर ले, करे लो, हेलो कर ले, ओए हेलो कर ले। इसके भाई जो बाल है ना वो आंखों पे आ जाते हैं, ये काट देते हैं फिर, नहीं तो ऐसे ही बाल होते हैं इनके लंबे लंबे, पूरा मुंह ढका रहता है ऐसे। ओए क्यों कर रहा है ऐसे? चला जा जा शाबाश। यही पूरे जंगल में बकरियां बकरियां होगी इनकी, चले गए अभी शाम को ही आना उन्हें।
यहाँ पे इस नाले में छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, 37 बच्चे बच्चे बता रहे हैं, कोई 37 बच्चे हैं बोला यहाँ पे। ये रहेंगे यहीं पे, अब शाम को दूध पियेंगे जब इनकी माता आएंगी फिर से जंगल से वापस। तो भाई अभी दिन के 2 बज गए हैं और मैं ना यहाँ पे हूँ ये भेड़ पालकों के डेरे में। तो भाई भेड़ पालक तो चले गए हैं जंगल में, बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पे। और आज जैसे कि दिवाली है तो भाई मैं सोच रहा था ना कि शहरों वाली तरफ आज कितना शोर शराबा, कितना भीड़ भाड़ होगी, क्या माहौल होगा। और यहाँ पे भाई कोई है ही नहीं, मतलब ऐसे थोड़े बहुत पक्षियों की आवाज़ें आती हैं इस वाली जगह पे, बाकी कुछ नहीं, इतनी शांति वाली जगह है ये। और यहाँ से ना दूर पार एक गाँव दिखता है सामने, और वहाँ से ना शायद साउंड भी इतना सुनाई नहीं देगा यहाँ पे पटाखों का, तो ऐसा जैसा है भाई। और यहाँ पे ना कभी धूप आ जाती है, कभी बादल हो जाते हैं, बहुत ठंडा जैसा मौसम हो जाता है, कई बार धूप आ जाती है तो अच्छा हो जाता है। तो अभी भेड़ पालक भाई आएंगे शाम के टाइम, फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मतलब इतना बढ़िया लग रहा है भाई यहाँ पे ना कि कुछ हो मत, आप गजब का मौसम और जंगल पूरा शांति भरा माहौल यहाँ पे। ये देखो भाई आप, ये टेंट इनका, ये बैक साइड का माहौल, और ये बादल लगे आने थोड़े थोड़े, बीच बीच में बादल आ जाते हैं फिर हट जाते हैं, ऐसा जैसा होता है। वहाँ पे पर एक नाला बह रहा है, बस उसका थोड़ा बहुत साउंड सुनाई देता है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये देखो आप यहाँ का माहौल इस टाइम पे, दिन के 2 बज रहे हैं। इस गांव की बात कर रहा हूँ भाई मैं, एक गांव है पार सामने ना, बाकी नहीं है कुछ भी, बाकी तो बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। तो भाई इस वाले बच्चे की ना सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको दस्त लगे हुए बहुत बुरे ढंग से। इनके पास ना कोई ज़्यादा मेडिसिन है नहीं इसको खिलाने के लिए। इसको ना जब बेगद्दी क्या करते हैं, ऐसे बच्चे बीमार होते हैं, दस्त लगते हैं, पेट ख़राब होता है, तो ऐसे बच्चों को ना ये भांग पिलाते हैं थोड़ी सी, थोड़ी सी मतलब बहुत कम, तो उसे बोला ठीक हो जाते हैं। तो वैसा भी नहीं किया उन्होंने, उन्होंने अब ना ज़्यादा चल रहा है तो कुछ नहीं, इसने दूध ज़्यादा पी लिया यारा। तो भाई ये ना 35-36 छोटे छोटे बच्चे हैं बकरियों के, ये नहीं गए हुए जंगल में क्योंकि बहुत छोटे हैं, जंगल में रह जाएंगे नहीं तो इसलिए। और एक नाले में बैठे हुए देखो, यहाँ पे पूरा नाला है ऐसे ऊपर वाली तरफ ना ये। और एक किसी के घोड़े भी हैं यहाँ पे घास चरने के लिए आए हुए हैं, ये जो भेड़ पालक हैं इनके नहीं है, भेड़ पालकों के घोड़े यहाँ हैं कहीं ऊपर जंगल में गए हुए। और देखो आप सारे बच्चे यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, ऐसे सोए हैं वैसे आराम से मज़े ले रहे हैं पूरे। भाई इनकी ना फीमेल डॉग है इधर ही एक, तो वो पता नहीं भौंक रही है बहुत ज़्यादा, क्या हो गया उसको। देखते हैं क्या हुआ है इसको, क्यों भौंक रही है। क्या हुआ है, चोर आ गए, कहाँ है चोर, फाड़ दे चोरों को जा शाबाश। आजा शिल्पा, आजा, कोई नहीं है, आ जा इधर, आ जा। ओ शिल्पा। तो भाई शाम का टाइम ना, तो भाई शाम का टाइम है, 5 बज रहे, मैंने आग जला ली हुई है और छोटे छोटे बच्चों को देखो रहा है यहाँ पे। और ये हमारे छोटू भाई आ गए जंगल से, छोटू भाई आ गए, कैसा रहा दिन, ठीक रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। और छोटू भाई दौड़ दौड़ दौड़, क्या बोलिया, पायलट है दौड़ 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 आगे खोले, देखो आगे जो चार कदम जी तो बैठ गए हैं, वो जो पायलट होते सगा से वो पलट पलट ठबले ठबले हैं, वो मुन्ना वो है यार, बड़ा गया मरी बच गए, फिर की बच गए, पर से था एलिमेंट पेन रहते बस कुट्टी वाला आते। भाई छोटू भाई सुना रहे ना, छोटू भाई आया वहां से बकरियों के पास से, तो कोई वो था पैराग्लाइडिंग वाला बंदा, वो गिर गया बोला, फ्लाई नहीं हो पाया उससे। ये दो पीस छोटू भाई लगे हैं भाई सेब खाने में, और छोटू भाई ये वाले सेब हैं, छोटू भाई जाएंगे भाई, अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ है ना, उन्होंने परे पावर बैंक है और मोबाइल है, ठीक है छोटू भाई।